भारत छोड़ो यात्रा की यात्रा के अंतर्गत कोलार विधानसभा क्षेत्र के रन्नौत ब्लॉक में दामोदर सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नाथूराम, जय किशन सिंह केवट, प्रदेश कांग्रेस महासचिव मध्य प्रदेश, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रन्नौत द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया एवं इंदौर में सभा भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। कॉलर से खबर हर पल के लिए मुकेश कौर की खबर। आदरणीय राजकुमार सिंह यादव जी को भी तालियों से आप लोग स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आपके और हमारे बीच के साथी आदरणीय रिटायर्ड डीएसपी महोदय आदरणीय आरआई साहब के लिए भी तालियों का स्वागत करें। हमारे बीच में दतिया से चलकर आए गोटान यादव जी को भी आप तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय मुरारी लाल जी का भी आप स्वागत करें। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुर्सियां खाली हैं, कृपया उस पर बैठ जाएं आप लोग सभी, क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। कुर्सियों पर बैठ जाएं आप लोग। साथियों, आज कांग्रेस विधानसभा माननीय प्रथम द्वारा भारत बचाओ, संविधान बचाओ और हमारे राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, अभी कौशुपुरी जिले से कोलारस होते हुए गुना की ओर हमारे आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष बदरवास कोलारस और हमारे बदरवास अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव जी और अन्नो से नाथूराम केवट जी द्वारा जो भव्य यात्रा निकाली गई, पद यात्रा राहुल गांधी के जी के संदेश को लेकर गांव गांव गली गली मोहल्ले में जाकर अलख जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथियों, आपके बीच में आपकी